ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एशियन पेंट्स के रेकमेंडेड शेड में से ये सारे कलर्स और आपको विजुअलाइज भी कराऊंगी कि ये शेड लगाने के बाद कैसे लगेंगे। इस वीडियो में मैंने नॉन इंटीरियर घरों के वीडियो भी डाले हैं ताकि हर कोई कनेक्ट कर पाए अपने घर के साथ। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर के पिक्चर्स और वीडियो कलर कोड के साथ soothinghomes@gmail.com पर भेजें ताकि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिले विजुअलाइज करने के लिए कि सिलेक्टेड शेड लगाने के बाद कैसा दिखेगा। इस वीडियो में आपके जैसे ही कुछ व्यूअर्स ने हमें पिक्स भेजे हैं जिससे आपको कलर विजुअलाइज करने में हेल्प होगी। आप जब शेड कार्ड चूज करने जाएंगे तब आपको बड़ा वाला या छोटे वाले शेड कार्ड मिलेंगे। अधिकतर लोग शॉप में छोटे शेड कार्ड देना प्रेफर करते हैं। बड़े शेड कार्ड में हजारों शेड में से सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए एशियन पेंट्स ने रेकमेंडेड कलर और कॉम्बिनेशन के छोटे शेड कार्ड्स बनाकर दिए हैं। काफी सारे शेड कार्ड अवेलेबल हैं। सारे शेड कार्ड स्टडी करने के बाद रॉयल और एप्पलाइट शेड कार्ड में सबसे अच्छे शेड नजर आए हैं। करंट ट्रेंड से तो व्हाइट और बेज कलर काफी इन है, स्टिल काफी जगह पे अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले पिंक शेड देखते हैं। तीन शेड जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है एसेंस, पिंक वेव और कोरल रॉक्स। एसेंस ये बहुत ही प्यारा शेड है, अप्रोप्रिएट ब्राइटनेस, फ्रेशनेस और कलर टोन है। नेक्स्ट है पिंक बिब 8034, पीचिश पिंक कलर है। और थर्ड है कोरल रॉक्स, ये भी बहुत प्यारा कलर है। अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर से चूना या पहले का डिस्टेम्पर याद आता है। अभी के इंटीरियर में ब्लू कलर यूज होते हैं वो थोड़े पाउडर ब्लू और मिंट ब्लू जैसे होते हैं। ब्लू में दो शेड जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है वैली मिस्ट और यंग बॉय ब्लू। वैली मिस्ट बहुत ही सूदिंग, ब्राइट और काम शेड है, ये आप कोई भी रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग बॉय ब्लू 7330, ये कलर बेडरूम में अच्छा लगता है। ऑफ व्हाइट और बेज कलर आप इंटीरियर कराए या ना कराए अच्छे लगते हैं, जबकि बाकी कलर्स के साथ डेकोर ज्यादा मैटर करता है। ब्लू में एक्सेंट वॉल के लिए एक और शेड है पॉलिश ब्लू। ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, हाईलाइट वॉल के लिए, फॉयर साइड वॉल के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। एक शेड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इटालियन आइरिस। बेडरूम के लिए बहुत ही प्यारा शेड है, ऑफ व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर लगता है। अगेन डार्कर शेड है, इल्यूमिनेशन का ध्यान रखें। ये कलर और खिल के आता है अगर आपकी सीलिंग में पीओपी की हुई है व्हाइट कलर की और उसकी स्कर्टिंग थोड़ी नीचे तक आ रही है। इसे आप लाइटर लैवेंडर कलर के साथ भी पेयर कर सकते हैं। डेलिकेट वॉयलेट। डेलिकेट वॉयलेट एशियन पेंट्स के सजेस्टेड न्यूट्रल शेड में से एक है, जिसका वीडियो लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर मिलेगा। अब आते हैं येलो कलर की तरफ। सोलेम येलो बहुत सुंदर कलर है। येलो में ये एक थोड़ा सटल कलर है, जैसा पिक्चर में नजर आ रहा है एकदम वैसा ही नजर आएगा। सेकेंड कलर है मॉर्निंग ड्रीम, ये भी अच्छा कलर है, थोड़ा ब्राइट है। अगर आपको एकदम ब्राइट येलो कलर चाहिए तो स्पॉटी येलो इज अ गुड ऑप्शन। इसमें आप स्पॉटी येलो के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे, वो है सनराइज 0526। एक्सेंट वॉल के लिए एक बहुत सुंदर कलर है, वो है जैसलमेर एन। नेक्स्ट आते हैं ग्रे शेड पर। एक बहुत अच्छा शेड है टॉप टोन, ग्रे और बेज का मिक्सचर है। लग्जरी डार्क थीम इंटीरियर के लिए परफेक्ट है। डार्क शेड है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, इल्यूमिनेशन यानी लाइट का ध्यान जरूर रखें। न्यूट्रल ग्राउंड एन कलर लग्जरी ग्रे इंटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेज कलर। लाइट बेज में बहुत सुंदर शेड है एक शेड कार्ड में, वो है बासरा पर्ल एन। बेज कलर में हल्का सा ग्रे कलर मिक्स करने से जो कलर बनेगा वैसा ही कलर है, लग्जूरियस लुक देता है। एक और लाइट बेज में बहुत सुंदर शेड है, वो है सेसमी सीड, बहुत प्यारा लगता है। ये हमारे व्यूअर की पिक्स है। स्विस कॉफी और हेजलनट, ये शेड आप हाइलाइटर वॉल के लिए यूज कर सकते हैं, बेडरूम या लिविंग रूम के लिए। ऑफ व्हाइट शेड के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। ये एक डॉक्टर चेम्बर है, ऊपर सेसमी सीड है और नीचे हेजलनट। एक बात का ध्यान रखें, लाइट कंडीशन चेंज होने से कलर थोड़ा सा चेंज दिखता है, स्टिल यू कैन गेट सम आइडिया। ये स्विस कॉफी शेड है डेमो के लिए, मेरे पास अभी यही वीडियो अवेलेबल है। आपके पास जो भी कलर है हमें एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। रिकॉर्ड करते समय मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखें, जैसे आपको हेल्प हो रही है आपके वीडियो से हजारों लोगों की हेल्प होगी। और कलर कोड मेंशन करना ना भूले। आप फोटोज भी भेज सकते हैं। ऑफ व्हाइट के साथ पेयर करने के लिए एक और शेड है बेक्ड बिस्किट। जो लाइट शेड प्रेफर करते हैं वो लोग इसे हाईलाइट वॉल पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सटल लुक देता है। ऑफ व्हाइट शेड में है मॉर्निंग ग्लोरी, शुगर नट, कॉन्फेटी, पेबल व्हाइट। इनके मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक वीडियो के एंड में दी है।